आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें कैसे जो झंडारोहण किया गया है पानी के बीचों बीच। आपको बता दें कि 71वां गणतंत्र दिवस है और पूरे देश में गणतंत्र दिवस को लेकर हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। आप जिस तरीके से इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पानी के बीचों बीच लोगों ने झंडारोहण है, झंडा जो तिरंगा है उसको फहराया और जो देश को लेकर नारे लगाए जा रहे हैं, देख सकते हैं आप कैसे यहाँ पर लोगों के अंदर जो उत्साह है वो अलग ही तौर पर देखने को मिल रहा है। देश आज जहाँ अपना 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा है उसके साथ साथ लोगों के अंदर भी जो देशभक्ति की भावना है वो फूट फूट कर बाहर आ रही है। ये देख सकते हैं आप कैसे, ये तस्वीरें सामने आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, कैसे जो लोग हैं वो देशभक्ति से इतना डूबे हुए हैं कि वो पानी के अंदर जाकर झंडारोहण कर रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं, तिरंगा लेकर और कर रहे हैं। आप भी देख सकते हैं किस तरीके से 26 जनवरी को आज जो युवा हैं सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें से आप, ये पोरबंदर की तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं हम, जो इस समय टीवी स्क्रीन पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं पोरबंदर की तस्वीरें हैं, कैसे पानी के अंदर भी झंडा फहराया जा रहा है लोगों के अंदर 26 जनवरी को लेकर, यानी कि अपने गणतंत्र दिवस को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। कैसे पानी के बीचों बीच सभी लोग मौजूद हैं, तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं ये सभी युवा, और गणतंत्र दिवस के मौके पर कैसे इनके अंदर एक जोश देखने को मिल रहा है ये काफ़ी सराहनीय है और देखने में अपने आप में ही एक अलग उत्साह भर देता है हमारे अंदर भी। ये दूसरी तरफ तस्वीरें देख सकते हैं कैसे राजपथ में लोग जो लोगों के चेहरों पर बेचैनी है वो साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। लोग काफ़ी बेचैन है कि जल्द से जल्द कार्यक्रम शुरू हो और हम इसका लुत्फ उठा सकें। आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस की धूम जो है वो देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं पहली तस्वीर पोरबंदर की, दूसरी तस्वीर राजपथ की। इसी के साथ साथ पूरे देश में भी एक अलग ही हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। जगह जगह झंडे फहराए जा रहे हैं, जगह जगह लोगों को गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करते हुए देखा जा रहा है, एक सेलिब्रेशन के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हुए भी देखा जा रहा है। जी हाँ, आज के जो युवा हैं वो गणतंत्र दिवस को एक सेलिब्रेशन के तौर पर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक अलग ही मिसाल पेश करता है। तो वहीं पहली तस्वीर जैसा कि आपको बताया, आप देख सकते हैं कि पोरबंदर की तस्वीरें सीधे आ रही हैं, जहाँ पर पानी के बीचों बीच कैसे जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं और एक साथ एक कड़ी में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का हाथ थामे हुए और बीच में तिरंगा है, ये देख सकते हैं आप। इन सभी लोगों के बीच में तिरंगा है और सभी लोग पानी के बीचों बीच खड़े हुए हैं। पोरबंदर की तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल अलग नज़ारा और बिल्कुल जिसे कह सकते हैं हम कि हट के जो कुछ देखने को मिलता है ये वैसा कुछ है। कुछ लोग नावों में भी हैं अगल बगल, आप देख सकते हैं शायद जिनको तैरना नहीं आता वो नावों में खड़े हैं और इस पूरे नज़ारे का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप किस तरीके से लोगों के अंदर बिल्कुल एक जोश देखने को मिल रहा है। रिपब्लिक डे हम लोग मना रहे हैं और श्री राम सी स्विमिंग क्लब की तरफ से पिछले 20 साल से हम लोग समुंदर के अंदर ध्वज वंदन करते हैं मिड सी में। 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये ध्वज वंदन का कार्यक्रम हमेशा होता रहता है और पिछले 2 साल से कोस्टल मैराथन का भी आयोजन हो रहा है और 20 साल से समुद्र तरण स्पर्धा का भी आयोजन हो रहा है जो नेशनल लेवल की है। आज की युवा पीढ़ी को ये एक संदेशा है कि अभी आप कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और इंडोर गेम से बाहर निकलिए, आप आउटडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर स्पोर्ट्स में पार्ट लीजिए। समुद्र में तैरने से आपका शारीरिक बल भी बढ़ेगा और आपकी साहस वृत्ति भी निखरेगी। मेरा नाम उर्वशी वर्द गोडानिया है, मैं पोरबंदर की रहने वाली हूँ और आज 26 जनवरी है, इसलिए हम सब यहाँ पे चौपाटी बीच पे एकत्रित हुए हैं ध्वज वंदन के लिए। हर बार सब यही सोचते हैं कि ध्वज वंदन सिर्फ जमीन पे हो सकता है, बट नहीं, हम लोग पोरबंदर निवासी हर साल 15 अगस्त एंड 26 जनवरी पे ध्वज वंदन हम सी के बीच में ही करते हैं और कैसा भी ठंडा पानी हो, कैसे भी सीजन हो। और जब बात करते हैं सीजन की तो जनवरी मंथ में ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, तो हम ये भी नहीं सोचते और हम ध्वजवंदन के लिए हम सी में ही जाके ध्वजवंदन करते हैं।